हेलो हेलो आयशा बोल रही हूँ। आयशा ड्रेस डिजाइनर, आपने ब्राइडल दिया था ना बनने के लिए। ओह हाँ, या या आपका ड्रेस रेडी है? आप मैं इंतजार कर रही थी, आप आई नहीं पिक करने? बस मैं वो ऐसे ही फैमिली की कुछ कमिटमेंट्स थी उसमें मसरूफ थी। तो आप पिक करा लीजिए अभी। एक्चुअली मैंने अपने कारीगरों की पेमेंट्स क्लियर करनी है और उस वजह से आई हैव टू क्लियर माई अकाउंट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चले, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कब तक पिक करवा सकती हूँ। अरे पिक कराने में अगर आपको कोई इशू है तो मैं डिलीवर करवा देती हूँ। ठीक है, आप डिलीवर करवा दो। परफेक्ट, ओके। शाम तक ड्रेस आपके पास होगा। थैंक यू, बाय। आपको मना किया था ना, मैंने बार बार, मेरी फिक्र ना किया करें, जस्ट लीव मी अलोन। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हारी नहीं अपनी बात करने के लिए कॉल किया। आपकी बात से मेरा क्या ताल्लुक है? I'm getting married. हेलो, आपको जो करना है करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शादी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पूछोगे नहीं किसे शादी करना चाहता? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। बाप हूं मैं तुम्हारा। हाँ, लेकिन आपकी बीवी मेरी माँ नहीं होंगी। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। क्योंकि आपकी बीवी कोई भी हो ना, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन इस वक्त बिजी हूँ थोड़ा। बाद में बात करें? नहीं, तुम यही कह के फोन बंद कर दो। माँ के लिए वक्त नहीं तुम्हारे पास? हाँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ माँ। इधर की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट पेस्ड है। बताएं क्या हुआ? मुझे इंतजार है तुम। मैं आपसे कितनी दफा कहा है कि आप अपने आप को बिजी रखा करें, कुछ इंटरेस्ट वगैरह ढूंढें। मैंने यही बताने के लिए कॉल की माँ। जरा जल्दी कर सकती हैं? मुझे जाना है कहीं। कोई है जिससे इंटरेस्ट शो किया है मुझको? मैं सोच रही कंसीडर करूं। हाँ प्लीज गो अहेड, करें कंसीडर। एंड ऑनेस्टली मैम, मैं वापस नहीं आने का सोच रही हूँ। और मैं खुश हूँ अपनी जगह, तो आपको भी कुछ कर लेना चाहिए। पूछोगे नहीं कौन है? मुझे पूछ के क्या करना है, मैं कौन सा उनके साथ रहने वाली हूँ? तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा माँ, आई रियली रियली हैव टू गो, मुझे कॉल आने लगी है। चले बाद में बात करती हूँ। ओके बाय।
तुम्हें याद है हमारी कॉलेज में पहली मुलाकात? कैसे भूल सकती हूँ, तुम क्रिकेट खेल रहे थे और मैं बीच में आ गई थी और उसके बाद कभी गई ना दिल से ना जिंदगी से, लेकिन हमारे बीच में बार बार कभी नसीब आता रहा कभी कुर्बानी। बस अब नहीं सुनता कब तक कुर्बानी देते रहे सब, कब तक और कितनी दफा? हमारे बच्चे वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे? वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आज के बच्चे हैं, मूव ऑन कर चुके हैं अपनी अपनी जिंदगी में, तभी उन्हें हमारी क्या करना है। मैं इनकी नजरों में गिरना नहीं चाहती। यहाँ देखो मेरी तरह कुछ इस बात की हमारा मजहब हमारा मुआशरा हमारी इकदार इजाजत देते, तो किसी की नजरों से गिरने का क्या सवाल है? वैसे भी किसी की नजरों में ना गिरने से हमें खांसी पर खुशी मिल रही है। आज मिलो मुझसे। क्यों खैरियत? शाम को 6:30 बजे मिलो, फिर बताता हूँ। अच्छा चलो मिलते हैं, बाय। हेलो, हाय। बहुत जल्दी आई हो यार, 4:30 बजे से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, बूढ़ा हो गया हूँ तुम्हारे इंतजार में। ये बाल देखिए, कमीज की तरह सफेद हो गए हैं। आज कंप्लेन मत करो, बहुत मुश्किल से आई हूँ, बल्कि शुक्र करो कि पहुँच गई। मेरी जिंदगी ना तुमने मुश्किल कर रखी है। अब क्या हुआ, कैसे? यही हमारी मंगनी की फिल्म चला के तुम मेरी जिंदगी के सारे प्रोस्पेक्ट्स का ना पेड़ा गर्क कर दिया तुमने। प्रोस्पेक्ट्स? तुम्हारे पास कोई प्रोस्पेक्ट्स थे नहीं टू बिगिन विद। इतनी अच्छी लड़की पसंद आई है यार मुझे। हाँ तो तुम्हें पसंद आई है ना, उसे तुम पसंद आए हो या नहीं? ऐसी कोई लड़की है जो मुझे पसंद ना करेगी? एक तो तुम्हारे सामने ही बैठी है। No, that's very mean, you know. I know, I'm very mean. So, मुझे ये बताओ मिसेस मीनी, कि आखिर कब तक चलेगा? मैं किसी लड़की को लाइन नहीं मार सकता, मैं रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, और बिकॉज तुम्हारी वजह से, क्योंकि आप जनाब ने तो हर जगह मशहूर करके रखा हुआ है ना कि हम दोनों की तो मंगनी हो चुकी है। You know why I did it. देखो हम दोनों को ये बातें पता है, पर लड़कियां ये बातें नहीं जानती। अल्लाह तुम इतने ड्रामेटिक हो जाते हो ना यार। ठीक है, जस्ट गिव मी 2-3 डेज, आई विल फिगर इट आउट, और फिर तुम अपनी जितनी लड़कियां और प्रॉस्पेक्ट्स है ना उनके पास जा सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे पास नहीं आएंगी फिर भी, लेकिन कैन वी ऑर्डर, बहुत भूख लगी। वेटर,
बात सही कहती हैं आप, एक भी ब्राइट कलर नहीं है मेरे पास, क्या फीके फीके रंग पहनती हूँ मैं। मैं तो कब से तुम्हें कह रही हूँ कि शौक रंग के कपड़े पहनो, लेकिन तुम्हें को शौक है बेटा फीके सीखे कपड़े पहनने का। अभी क्या पहन के जाऊं? तुम्हें जाना कहाँ है? फूलों की नुमाइश पर हुआ। अच्छा, मैं देखूं। अरे ये पहनो ना, ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा है, ये पहनो, ये शौक रंग है ना, अच्छा लगेगा पहनो। अच्छा तो लगेगा। नहीं? और सुनो, अब के बाजार जाओ ना तो शौक रंग के कपड़े लेकर आना। तो भला ये तुम्हारी कोई उम्र है कि मेरे रंग के कपड़े लो? आप तो मुझसे भी जवान है बुआ, कैसी बात कर रही हैं? बाली उम्र है, कम सिंस। मैं कुर्बान तेरे जुमले पर, अरे मैं जवान हूँ क्या? क्या बेकार एग्जीबिशन थी यार ये। हाँ, इसी आर्टिस्ट की 27 साल पहले वाली एग्जीबिशन याद है? बिल्कुल याद है, मुझे भी याद। इस कदर हसीन लग रही थी तुम कि तुम अंदर आई तो एक लम्हे को मेरा सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। कुछ नहीं, वो ऐसे पाव आ गया। कितने रंग थे ना जिंदगी में, गुर्बत थी लेकिन उम्मीद थी, एक अजीब सी खुशी थी, मोहब्बत थी, शायरी थी, पेंटिंग थी, जिंदगी थी। अब शायरी नहीं करती? शायरी? तुम गई तो सब कुछ छोड़ दिया, अपने साथ सब कुछ ले गई, शायरी छोड़ दी, पेंटिंग छोड़ दी, जीना छोड़ दिया, सब कुछ। और अब? अब क्या, अभी जिंदगी कहाँ शुरू हुई है, तुम मिलती हो खो जाती हो, तुम मेरे पास होगी मेरे घर आओगी तब होगी जिंदगी शुरू। शेर कहोगे मेरे लिए? शेर दीवान लिख दूंगा। हाँ हाँ, हर शेर तुम्हारे लिए होगा, माओ तो सही। पेंटिंग्स बनाओगे? तुम सामने होगी ना तो हर पेंटिंग तुम्हारे नाम होगा। जो कहूंगी करोगे? जो कहोगी करूंगा, हर पेंटिंग तुम्हारे नाम, तुम्हारे उसी के नाम। गोला गंडा खिलाओगे? ये मुश्किल। चलो बिटिया, क्या बात है बिटिया, कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत खुश खुश नजर आ रही हो, कोई खुशी की खबर है? हाँ है तो। अरे फिर जल्दी सुनाओ ना, मेरे तो कान तरस गए हैं खुशी की खबर सुनने को। वही याद है मैंने आपको एक बार बताया था कि किसी ने मुझे प्रपोज किया? हाँ हाँ, वही बात था तो तुमने खत्म कर दी थी। और आपने कहा था कि वजह खत्म कर दो, बात नहीं, तो हमने वजह खत्म कर दी और बात शुरू। हाँ, या अल्लाह, मैं कैसे अपनी खुशी का इजहार करूँ मैं? अरे इस दिन के लिए तो मैंने कितनी दुआएं मांगी थी। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मैं किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, लेकिन खुशी के साथ साथ मेरा दिल भी घबरा रहा है। तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे घर को जल्दी नजर लग जाती है, जो भी मंगनी की वो टूट गई, तो मंगनी मंगनी मत करना, बस सीधे सीधे शादी कर लेना,
बल्कि मैं तो कहती हूँ फौरन के फौरन ही शादी कर लेना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए, बस क्या कहूँ। मैं कुछ संभाल ही नहीं जा रही, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। ऐसे ना देखो, यू मेकिंग मी नर्व। तुम इतनी खूबसूरत लगोगी, कोई और देखे ना देखे शायद तो जरूर देखेगी। तुमका कुछ नहीं पता, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकता, शादी कर लेते। शादी? मंगनी वैसे भी मेरे खानदान वालों का रास नहीं आते, जब भी हुई टूट गई है ना? या? तो क्या कर लेते डायरेक्ट शादी? हाँ, अभी कर लेते। अच्छा प्लीज मुझे अटेम्प्ट नहीं करना, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यहीं खड़े खड़े अभी के अभी यहीं के यहीं क्या कर सकता हूँ। कर लेती हूँ। डेट बताओ जो सूट करती है। नेक्स्ट मंथ की कोई भी डेट? सारा को नहीं बताऊंगी? ओह, पहले सारा को बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती मेरी बेटी मेरी खुशी में शामिल हो। जब आपको बता, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आज ही कॉल करते हैं हम दोनों और अगले महीने की 20 तारीख कबूल है। हाय माँ, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम फ्री हो? और सोने थोड़ी लगी थी ना? बस थोड़ा सा काम रहता था वो करके सोने लगी थी। आप बताएं। लेकिन बेटा मैंने बताया था ना एक बार कि किसी ने मुझे प्रपोज किया है, मैंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कूल, कब है मंगनी? नहीं मंगनी नहीं, हमने सोचा कि डायरेक्ट निकाह करेंगे। अच्छा निकाह मतलब शादी? हाँ शादी नेक्स्ट मंथ 20th की डेट हम सोच रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं है। तुम्हारी अवेलेबिलिटी देख के मैं फाइनल करूंगी, मुझे बताओ। नहीं 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 नहीं, यू गो अहेड, मुझे एक दो दिन की छुट्टी तो मिल ही जाएगी। बेटा एक दो दिन? मैं सोच रही थी अगर तुम पहले आ जाओ तो। सॉरी माँ, असल में काम इतना है ना यहाँ पे, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको रुख्सत करने के लिए आ जाओ। I'll really try my best. Okay. ख्याल रखना फिर। No more work. आज के लिए छुट्टी। मैं सोच रही हूँ इस दीवार को हम जेड कलर करवा दें, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ये क्या बात है, हर बात पे अच्छा लगेगा। आपका अपना कोई ओपिनियन नहीं है? नहीं तो तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। एक बात तो बताइए, आर्किटेक्ट आप हैं या मैं?
एक बात बताइए, फिकर मेरा है आपका? नहीं, ये घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए बनाया गया असल में। इसे जैसे चाहो संवारो, जैसे चाहो सजाओ। तुम जानती हो ना, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। अब्बा का कुछ सामान लाना चाहती हूँ, बहुत प्यार था उनसे। उनकी वो चेहरे, कुछ तस्वीरें, रंग, दिनों बड़ा भी उनकी यादें। खुशी के मारे मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। लेकिन बिटवा, एक दुपट्टा तो मैं काटूंगी तुम्हारा। अरे हाँ, 20 तारीख तो सर पर खड़ी है, और ये इतने सारे काम कैसे होंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है बुआ। क्यों क्यों कुछ करने की जरूरत नहीं है? अरे बिटवा, मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी। बड़े अरमान है मुझे तुम्हारी शादी के। वो अपना ऐसा करो तो सारा को फोन लगाओ, उसे कहो फौरन के फौरन जल्दी ही आ जाए। अरे बहुत सारे काम है उसको करने के। बिटिया, सारा नहीं आ सकती बुआ, वो बहुत बिजी है। हैं? माँ से ज्यादा भी कोई जरूरी काम होते हैं? माँ उसकी जिंदगी में अब शायद कहीं फिट नहीं होती बुआ। उससे तो दिलचस्पी तक जाहिर नहीं की, ये तक नहीं पूछा कि मैं किस इंसान से शादी कर रही हूँ, जिससे कर रही हूँ वो है कौन। यार जमाना आ गया है यार, समझ में नहीं आता है ऐसा जमाना आ गया है। सब अपने अपने कामों में रहते हैं, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। कैसी लग रही हूँ? माशा मैं बैग लिया हूँ तो रखा था। बुआ चाय बना दें आप मुझे। हाँ उमर, आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। तुम अगले हफ्ते आ सकोगे? अगले हफ्ते निकाह है हमारा। आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी शादी में इंटरेस्टेड हूँ? शो दो निकाह भी है। किससे कर रहे हैं आप शादी? उसी से? हाँ मैं उसी से। जल्दी से जाके काम खत्म कराइए यार। जी सर, ठीक है जी। और कुछ? और ये कि सर आपने बहुत अच्छी सेंट लगा रखी है। क्या? जी सर, इससे पहले आप इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं लगा कर आते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से आप मुख्तलिफ खुशबू लगा रहे हैं, अच्छा लगता है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये कि सर अब आप मुस्कुराने भी लगे हैं, पहले आप बहुत सीरियस हुआ करते थे। आप जाके इंजीनियर साहब को बुलाइए, मैं कोर्टयार्ड में वेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। जी, जी सर, थैंक यू।
Yakınlarım, maceram bu. Mar. Sana kay. Evet o. Hiç. Hiç daha beni maceram. Hiç. जीने नहीं दिया, मरना देता है मुझे। आपका कोई कसूर नहीं है, मुझे आपसे कोई गिला भी नहीं है। वादा करो तुम खुश रहो, पूरी तरह जिंदगी जियोगी। मैं खुश होंगी अब्बा, तुम वादा करती। बहुत रो लिया तुमने, अब और नहीं रोना। नहीं रोऊंगी वादा अब्बा। नहीं खुश हूँ, thank you.
यार उमर, तू अपना सारा का सारा गुस्सा गलत इंसान पर उतार रहा है। तेरा सारा गुस्सा सारा पर है यार, और टू बी ऑनेस्ट सारा ने तेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, इसके लिए तेरा बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यार वो बात नहीं है यार, सारा की बात नहीं है, बाप ने ना बहुत पुरानी रिजेंटमेंट से मेरे दिल में उसके लिए। उस आदमी ने कभी भी मेरी माँ को खुशी नहीं दी जो वो डिजर्व करती। यार तू एक बात बता, कोई भी इंसान किसी दूसरी की खुशी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? कैसे यार, इट डजंट मेक एनी सेंस। इट डज ब्रो, इट डज। खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ना खुशी के लिए तो हो सकता है। सही है, मान लिया, लेकिन सिर्फ एक बात बता, वॉज योर फादर एवर अब्यूसिव टुवर्ड्स यू? कभी भी तुझे ऐसा लगा हो कि तेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है? हाँ, कभी तुझे मार रहा हो, कभी तेरा या तेरी माँ का कोई हक छीन हो, कभी भी एक बार ऐसा लगा? बात नहीं समझ रहा यार, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। उस आदमी ने कभी भी मेरी माँ को मोहब्बत और वो खुशी दी नहीं जो वो डिजर्व करती थी। हमेशा उसकी वो पुरानी गर्लफ्रेंड रही दोनों के बीच में खड़ी। बीच में खड़ी रही है, उसको बीच में जान पूछ के रखा गया। देख उमर, तू मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा है। तू अपने अपने बाप की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर यार, और अभी तेरे साथ जो भी रिसेंटली हुआ है, तू उसके बाद तो तुझे अपने बाप को और ज्यादा बेहतर समझना चाहिए। तुझे तो पता है ना यार कि जब आपकी उससे शादी ना हो जिससे आप प्यार करते हो, कैसा लगता है? And you know what? I think it's high time that you resolve your resentments, bro. High time. सितारी हुई है गुलशन आरज़ू के सहन में, एक खज़ाना सितारी हुई है। दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है।
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।